अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर नए एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अज़ीम के हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्य किस्म के मैं आपको वेजिटेबल फ्रूट हर्ब स्पाइस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, रेमेडीज बताता हूँ, इलाज बताता हूँ और टोटके बताता हूँ मुख्य किस्म के। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टोटका सेलेक्ट किया, एक रेमेडी सेलेक्ट की है, इसे करना भी बहुत आसान है। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें बिटर कॉन्स्टिपेशन है, जिन्हें पुरानी कब्ज़ है और जिन्हें तीन तीन चार चार दिन कब्ज़ रहती है, जिन्हें अजाबत नहीं होती, वो वॉशरूम जाकर काफ़ी देर बैठे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा जोर लगाने के बावजूद भी उन्हें जो है हाजत नहीं होती, तो दोस्तों उनके लिए मैं बेहतरीन आज बहुत ही आसान तरीन जो है रेमेडी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपके लिए कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के हवाले से काफ़ी रेमेडीज शेयर की हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल लूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्ज़ जो है, तमाम बीमारियों की जड़ है और दोस्तों जिस्म के अंदर जो सुस्ती है वो सिर्फ और सिर्फ कब्ज़ की वजह से होती है। तो इस वजह से अगर आप अपनी कब्ज़ की बीमारी का दूर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी 101 बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो चले दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए रेमेडी की तरफ आते हैं, बहुत आसान है करना। दोस्तों आपने 250 मिलीलीटर के करीब पानी लेना है, एक कप के करीब लेने हैं या एक गिलास लेने हैं। दोस्तों उसके अंदर आपने 1 टीस्पून के करीब सौंफ डालनी है, उसके बाद आपने इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है। दोस्तों अच्छे तरीके से आपने इसे 3 से 5 मिनट तक उबाल लेना है, उबालने के बाद इसे छान लेना है और दोस्तों जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए या नीम गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने 1 टीस्पून के करीब कैस्टर ऑयल डाल देना है और दोस्तों तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर ही आपको अजाबत आ जाएगी, आपका पेट साफ हो जाएगा, आपकी आंतें साफ हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपको इसका जायका पसंद ना आए तो इसके अंदर आप 1 टीस्पून के करीब शहद भी शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों कैस्टर ऑयल जो है अरंडी के तेल को बोलते हैं और दोस्तों मार्केट में इजीली अवेलेबल है, पंसारी स्टोर पर और जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा, कोई इतना महंगा भी नहीं है, सस्ता है। तो जाएँ ऐसे लोग जिन्हें बिटर जो है कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिन्हें शदीद कब्ज़ रहती है, आए दिन का मिजाज का मसला रहता है, आंतों का मसला रहता है, उन्हें इजाबत नहीं होती, तो दोस्तों उनकी तमाम आंतों की इन्फेक्शन दूर हो जाएगी और दोस्तों पखाना उन्हें खुलकर आएगा, पेट साफ हो जाएगा। दोस्तों रूटीन में ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आपकी जो कब्ज़ की बीमारी है जड़ से खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बहुत ही ईजी और आसान है इसे करना। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिटर कॉन्स्टिपेशन के हवाले से जो मैंने आपके लिए रेमेडी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लॉड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, ओके, चल रहा फिर स्टेट के।